हे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं आपका फिजिक्स पार्ट से ग्रेड नाइन्थ का साइंस चैप्टर नंबर 12 साउंड के बारे में। साउंड क्या चीज होती है, जैसे आप लोगों ने पीछे एक मैकेनिकल एनर्जी के बारे में प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर पढ़ा है, लाइट एनर्जी के बारे में आप लोगों ने सुना है, तो साउंड किस तरह की चीज होती है जो हमें एक सेंसेशन प्रोवाइड करती है हमारे कानों तक उस चीज को सुनने के लिए। तो साउंड क्या है, एवरी डे वी हियर वेरियस टाइप्स ऑफ साउंड लाइक बर्ड्स, ह्यूमंस हो गए, बाइसाइकिल हो गई, व्हीकल्स हो गए, समथिंग कुछ भी, एनीथिंग कुछ भी लगा के चलो, जितनी भी हमारी जो साउंड की टाइप्स होती हैं हम डे टू डे लाइफ में सुनते हैं, वो किस तरीके से हमें मिलती है, कैसे वो प्रोड्यूस होती है, इन सारी चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब जो साउंड है उसको क्या बोला गया है, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि जो साउंड होती है वो एनर्जी की एक ऐसी फॉर्म होती है, फॉर सेंसेशन टू हियरिंग ऑफ अवर ईयर्स, हमारे कानों तक एक सेंसेशन आती है सुनने के लिए, जिस चीज को साउंड बोला गया। तो साउंड क्या चीज हुई हमारी, ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप लोगों ने एनर्जीज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एनर्जीज मैंने बताया, अभी जो मैकेनिकल एनर्जीज होती हैं, लाइट एनर्जीज होती हैं, सो मैकेनिकल एनर्जी के बारे में आप पीछे पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तो एनर्जीज भी बहुत टाइप्स की होती है, लेकिन जो साउंड एनर्जी होती है वो क्या होती है, हमें सेंसेशन प्रोवाइड करती है फॉर हियरिंग, हमारे कानों तक कोई भी अगर चीज है उसकी साउंड प्रोवाइड कराने के लिए, उसकी सेंसेशन प्रोवाइड कराने के लिए हमें क्या करती है, एबल बनाती है उस चीज को सुनने के लिए। सो साउंड को हम क्या लेके चलेंगे, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड Sound is a form of energy, of sensation, sound is a form of energy of sensation through hearing of our ears. हमारे कानों तक किसी भी ऑब्जेक्ट की जो सेंसेशन होती है उसको प्रोवाइड कराने के लिए जो साउंड होती है वो एनर्जी यूजफुल होती है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जो साउंड एनर्जी है वो प्रोड्यूस्ड कैसे हुई, तो हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड, साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस्ड हुई, साउंड इज ए वाइब्रेटिंग, जो प्रोड्यूस्ड हुई है वो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से हुई है। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट किस तरीके से, बिकॉज साउंड एक ऐसी एनर्जी है जिसको ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की नीड होती है। साउंड्स कैन ट्रैवल, साउंड कैसे ट्रैवल कर सकती है, इन ए मीडियम, किसी भी मीडियम में जो साउंड होती है वो वैक्यूम में कभी भी ट्रैवल नहीं करती, और वो जो मीडियम होता है वो सॉलिड भी हो सकता है और वो गैस भी और लिक्विड भी हो सकता है, एंड मोस्ट कॉमन मीडियम आपका जो है वो एयर होता है, मोस्ट कॉमन मीडियम हमारा क्या होगा, एयर होगा। अब जो मीडियम होते हैं, एयर इज द मोस्ट कॉमन मीडियम, एयर इज द मोस्ट कॉमन मीडियम, उसके बाद आती है बारी कि साउंड नीड्स ए मीडियम फॉर ट्रैवल, जो साउंड होती है उसको ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की नीड होती है, और वो जो मीडियम है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसियस भी हो सकता है। जो सॉलिड होता है उसमें जो सेंसेशन की पावर होती है वो सबसे मैक्सिमम होती है, उसके बाद लिक्विड और उसके बाद गैस के अंदर, यानी कि जो सबसे ज्यादा साउंड सुनाई देगी वो सॉलिड के अंदर सुनाई देगी, फिर लिक्विड के अंदर, उसके बाद गैसेस के अंदर। अब उसके बाद बारी आती है कि जब साउंड प्रोड्यूस हुई, वाइब्रेटिंग हुई, तो हमने उसको किस तरीके से पहचाना है कि जो वो होती है वो एक नीड, यानी कि उनको किसी मीडियम की नीड होती है। तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक एक्टिविटी भी गिवन है कि हमने एक जार ले लिया, लेट अस टेक अ जार, उसके नीचे भी एक किस तरीके से कोर्क बना रखा है, ऊपर भी बना रखा है, ठीक है, ये हमारा क्या है, वैक्यूम प्लेस। उसके बाद हमने क्या किया, इसके अंदर एक बेल लगा रखी है, जब भी तुम इसके स्विच को ऑन करोगे, यानी कि ऊपर तुमने एक एयर टाइट क्या लगा दिया, कोर्क लगा दिया, ताकि जो एयर है वो बाहर पास ना हो,
तो जो भी हमारा ये होता है बेल, यहाँ इसका तुमने जब स्विच ऑन किया तो बेल बजना शुरू कर देती है। तो इससे पहली बात तो ये प्रूव हुई कि उसको एक वाइब्रेटिंग की नीड होती है। वाइब्रेशन एक ऐसे टाइप होती है जो रैपिड क्या करती है, टू एंड फ्रो ऑफ द मोशन, मोशन का टू एंड फ्रो यानी कि आना जाना, इस तरीके से एक वाइब्रेशन शुरू होती है, स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से हमें साउंड प्रोड्यूस होती है। अब इसका एक तो ये हो गया कि जब ये इधर टकराती है और इधर स्ट्राइक करती है तो इसने एक साउंड प्रोड्यूस किया। अब दूसरा पॉइंट जो हमें प्रूव करना है वो ये है कि वो वैक्यूम के अंदर कभी भी साउंड प्रोड्यूस्ड नहीं होगी, जो साउंड होती है वो वैक्यूम के अंदर ट्रेवल नहीं कर सकती। किस तरीके से नहीं कर सकती, अब देखो जब तुमने क्या किया, इसका स्विच ऑन किया तो ये बेल बजना शुरू कर देती है, लेकिन जब तुमने इसका नीचे से ये कंटेनर जो है इसको नीचे से, जार को नीचे से ओपन कर दिया, ओपन करने से जितनी भी इसके अंदर एयर थी वो बाहर निकल गई, बाहर आ गई सारी एयर। फिर तुमने क्या किया, इसको क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद दोबारा जब तुम इसको स्विच ऑन करोगे, अगर उसके अंदर थोड़ी बहुत एयर बची है तो वो हल्का फुल्का बजेगा, अदरवाइज वो बेल बजना बंद कर देगी। व्हाई, बिकॉज एयर इज लेस, क्योंकि वहां पे जो एयर होती है वो बहुत कम हो गई, जिसकी वजह से जो साउंड होती है वो ट्रेवल करती है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है कि साउंड नीड्स ट्रेवल फॉर, साउंड नीड्स मीडियम फॉर ट्रेवल, ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की नीड होती है, एंड एयर इज द मोस्ट कॉमन मीडियम, जो एयर होती है वो हमारा मोस्ट कॉमन मीडियम होती है। सो वाइब्रेटिंग हमने, मैंने क्या बताया, एक रैपिड, रैपिड का मतलब होता है कॉन्टिन्यू, कॉन्टिन्यू टू एंड फ्रो, यानी कि कोई भी जब ऑब्जेक्ट होता है वो कॉन्टिन्यू किसी चीज पे स्ट्राइक करता है तो वहां एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। तो वाइब्रेशन हमारी क्या हुई, कॉन्टिन्यू यानी कि रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का टू एंड फ्रो मोशन जब होगा तो वहां क्या हो जाएगा, वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। अंडरस्टूड, ये थी आपकी बेसिक इन्फो अबाउट साउंड, साउंड के बारे में हमारी जो बेसिक इन्फो है। अब बात आती है कि जो साउंड होती है वो किस तरीके से होती है। साउंड इज ए वेव, साउंड इज ए वेव। अब जो वेव्स होंगी वो किसी भी तरीके की हो सकती हैं। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती हैं और ट्रांसवर्स भी हो सकती हैं। अब उनके बारे में देखते हैं। व्हेन साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल, जब साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल होती हैं तो क्या होता है। When sound waves, इस तरीके से हमने क्या किया, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल के अंदर हमने ले लिया स्ट्रिंग, ट्रांसवर्स के अंदर स्ट्रिंग, स्प्रिंग, हमने इस स्प्रिंग को इस तरीके से क्या कर दिया, जब तुम इस स्प्रिंग का एक सिरा खींच के जब छोड़ते हो तो ये स्प्रिंग इस तरीके से मूव करेगा, करेगा बैक एंड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, यानी कि फॉरवर्ड एंड फ्रॉथ। जो इसकी सिचुएशन होती है वो डायरेक्शन जो हमारी किसकी है, साउंड की है, उसके पैरेलल होती है, उसके क्या होती है, पैरेलल, पैरेलल होती है। इसी वजह से जो साउंड वेव्स होती है वो लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है। जब हम किसी स्प्रिंग को ऐसे खींच के एक बार स्ट्रेच करके और छोड़ देते हैं तो उसकी जो कंडीशन आएगी वो इस तरीके से मूवमेंट की आएगी। तो इसी वजह से जो साउंड वेव्स होती है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन, जो प्रोपगेशन साउंड की होती है उसके पैरेलल होती है, दैट्स व्हाई साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल। इसी वजह से जो साउंड वेव्स होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। अंडरस्टूड। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, साउंड वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स। व्हाई साउंड वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव, बिकॉज
ट्रांसवर्स वेव, इसके अंदर हम ले लेते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग यानी कि एक थ्रेड ले लेंगे जिसको हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया एक सिरे को, इस तरीके से ले लिया हमने थ्रेड को। जब हम थ्रेड लेते हैं तो जब तुम इसको स्ट्रेच इस तरीके से क्या करोगे, मान लिया कोई थ्रेड है उसको तुम इस तरीके से करते हो, जैसे कोई चीज वो वायर्स होती है जिस इंस्ट्रूमेंट की उसको बजाते हैं, तो वो थ्रेड क्या करेगा, अप एंड डाउन, कैसे सिचुएशन क्रिएट करेगा, अप एंड डाउन। तो हमारी जब अप एंड डाउन वाली सिचुएशन क्रिएट होगी, इसकी डायरेक्शन में जो साउंड की प्रोपगेशन है, इसकी डायरेक्शन के अप एंड डाउन जब सिचुएशन क्रिएट होगी तो वहां एंगल बनेगा 90 डिग्री का, जिसको बोला जाएगा परपेंडिकुलर। क्या बोला जाएगा, परपेंडिकुलर। तो जो साउंड वेव के अंदर ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, वो परपेंडिकुलर इन द ट्रांसवर्स वेव, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ साउंड। तो जब परपेंडिकुलर हमारी डायरेक्शन क्रिएट होती है अप एंड डाउन, उसको बोला जाता है ट्रांसवर्स वेव्स, एंड जब पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द साउंड इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो दैट्स व्हाई साउंड वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रेयर फ्रैक्शंस एंड कंप्रेशंस। रेयर फ्रैक्शन एंड कंप्रेशंस किस तरीके से होगा, जैसे देखो मैंने आपको बताया कि जो साउंड वेव्स होती हैं वो क्या होती है, साउंड वेव्स ट्रांसवर्स भी होती है और लॉन्गिट्यूडनल भी होती है। तो वेव एक तरीके की डिस्टर्बेंस होती है, डिस्टर्बेंस जिस तरीके से वो एक पार्टिकल्स को, मान लिया हमारे माउथ से जो साउंड निकली है उसने कुछ पार्टिकल्स को क्या कर दिया, हमारे जो एयर के पार्टिकल्स है उसको डिस्टर्ब कर दिया, डिस्टर्ब करके वो आगे से आगे मूव करती है, मूव करके तो वो उस लिसनर तक पहुंचती है जिसको हमें पहुंचाने की नीड होती है। तो इसका मतलब जो वेव होती है वो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है एक मीडियम के अंदर, जिसकी वजह से जो साउंड होती है वो लिसनर तक पहुंच जाती है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है रेयर फ्रैक्शंस एंड कंप्रेशंस। What is compressions? When vibrating object moves forward, जब vibrating object आगे की तरफ मूव करते हैं, when vibrating objects are moved forward, they create a reason, they have high pressure, with high pressure, वो एक ऐसा reason create करते हैं जहां pressure high होता है, this reason is called compression। तो वो reason हमारा क्या बन जाएगा, compression बन जाएगा। अब वो किस तरीके से हुआ, कंप्रेशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। व्हेन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, व्हेन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स फॉरवर्ड, दे क्रिएट ए high pressure region, they create a high pressure region, वो एक high pressure का region create करते हैं, this region is called compression। उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशन बोलते हैं। अब देखो डायग्राम से आपको समझ आ जाएगा, मान लिया जो वेव्स होती है वो इस तरीके से मूव करती है, इस तरीके, और फिर वो ऐसे, और फिर इस तरीके से मूव करना शुरू कर देती है, फिर दोबारा से इस तरीके से मूव करना शुरू कर देंगे। तो इस चीज के अंदर एक रीजन क्रिएट होता है, उस रीजन को क्या बोला जाएगा, when vibrating objects are closer, when particles of the vibrating objects are closer, this situation is called compression।
तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हमारे क्लोज हैं तो उसको बोला जाता है कंप्रेसर, ठीक है, प्रेशर के साथ यानी हाई प्रेशर। रेयर फ्रैक्शन इसका जस्ट अपोजिट है। व्हाट डू यू मीन बाय रेयर फ्रैक्शन? रेयर फ्रैक्शन के अंदर क्या होगा, व्हेन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स बैकवर्ड दे क्रिएट ए लो प्रेशर रीजन। जब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे वो एक लो प्रेशर रीजन क्रिएट करेंगे, दिस रीजन इज कॉल्ड रेयर फ्रैक्शन। वो किस तरीके से? कंप्रेशन। अब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट बिल्कुल लूजली यानी कि जो फर्दर अपार्ट होंगे, अपार्ट यानी कि जो दूर दूर होंगे पार्टिकल, वो हमारे किसके होंगे? रेयर फैक्शन के। तो कंप्रेशन रेयर फैक्शन है, ये एक कंप्लीट सीरीज होती है किसकी? रेयर फैक्शन एंड कंप्रेशन की। सो कंप्रेशन हमारा क्या होगा, विद हाई प्रेशर एंड क्लोजली पैक्ड, जो पार्टिकल्स हाई प्रेशर के साथ रीजन क्रिएट करते हैं और क्लोजली यानी कि नियर होते हैं वो रीजन क्या होगा? कंप्रेशन। एंड जो फर्दर अपार्ट विद लो प्रेशर के साथ और दूर दूर होते हैं तो वो रीजन हमारा कौन सा होगा? रेयर फैक्शन। सो कंप्रेशन रेयर फैक्शन, कंप्रेशन रेयर फैक्शन, इस तरीके की क्या होती है, कंप्लीट सीरीज होती है। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि जो वेव्स होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी क्या क्या होंगी साउंड की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आती है फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड एंड टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, ये सारी चीजें। लेकिन उससे पहले हम एक चीज और पढ़ेंगे इसके बारे में कि जो वेव्स होती हैं अप डाउन इस तरीके से, जो इनका रीजन होता है उसको नाम क्या दिया गया। अब जो कंप्रेशन होते हैं वो फॉरवर्ड मूव करते हैं, उसको कोई चीज बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, पीक बोलेंगे, पीक पे कोई चीज जाना, यानी कि जितनी हमारी ऊंचाई तक, किसी हाइट तक, पीक तक किसी भी चीज का जाना तो वो क्या बन जाएगा, पीक। और जब कोई चीज डेप्थ में जाती है तो वो हमारी वैली बनती है। तो द पीक इज कॉल्ड द क्रेस्ट, यानी कि जब वेव हमारी पीक के ऊपर पहुंचती है तो इस पोर्शन को बोला जाता है क्रेस्ट। एंड वैली इज कॉल्ड, यानी कि जो लोअर वैली होती है वो हमारी क्या होती है, ट्रफ, PROUGH, यानी कि ट्रफ। तो जो पीक होती है, पीक सिचुएशन, पीक वेव इज कॉल्ड क्रेस्ट एंड वैली वेव इज कॉल्ड ट्रफ। एंड वन क्रेस्ट इन वन ट्रफ मेक्स ए कंप्लीट वेव, क्योंकि जो हाफ है वो यहाँ है, हाफ यहाँ है, तो वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ मेक्स ए कंप्लीट वेव। एक क्रेस्ट एक ट्रफ मिलके एक कंप्लीट वेव बनाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो पीक है इज क्रेस्ट एंड वैली इज ट्रफ। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर वेवलेंथ। वेवलेंथ हमारी क्या होती है, लेंथ है तो ऑब्वियस है कि कोई डिस्टेंस होगा। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशर्स और रेयर फ्रैक्शंस, क्योंकि जो क्रेस्ट एंड ट्रफ होते हैं वो कंप्रेशन या रेयर फ्रैक्शन बनाते हैं। तो इसने क्या कहा, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव मीन कॉन्टिन्यू, कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस एंड रेयर फ्रैक्शंस, उनका एक डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, वेवलेंथ हो जाएगी। तो मैंने देखो क्या बताया, एक वेव हमारी यहां तक कंप्लीट होती है तो इसको तुम कंप्रेशन मान लो और इसको रेयर फ्रैक्शन, टू कंप्रेशंस और टू रेयर फ्रैक्शंस, यानी कि फर्स्ट वेव से सेकंड वेव तक के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे वेवलेंथ। क्या हो जाएगी वो, वेवलेंथ। वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय लैम्डा, इस वेवलेंथ को हम लैम्डा से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। अगेन द डेफिनेशन ऑफ वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड टू क्रेस्ट, ऐसे भी बोल सकते हो आप इसको, द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट बिकॉज ये सेकेंड वेव का भी क्रेस्ट है, या फिर द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ,
दो द्रव या दो क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा इज कॉल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय लैम्डा एंड द एसआई यूनिट इज, क्योंकि जो लेंथ होती है उसको ऑलवेज हम मीटर में क्या करते हैं, मेजर करते हैं, तो जो एसआई यूनिट होगी वो उसकी क्या होगी, मीटर होगी। सो द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू ड्रव इज कॉल्ड वेवलेंथ, यानी कि जहां एक कंप्लीट वेव फिनिश होती है उसका दूसरी वेव के साथ कितना डिस्टेंस है इज कॉल्ड वेवलेंथ, क्या हो जाएगी हमारी वेवलेंथ हो जाएगी। उसके बाद बारी आती है साउंड वेव्स क्या होती है, साउंड की जो वेव्स होती है, द नंबर ऑफ सच ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। अब फ्रीक्वेंसी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हमने वेवलेंथ के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, ऑसिलेशंस यानी कि जितने भी ये हमारी वेव्स होती है ये वाली पर यूनिट टाइम में वो कितनी क्रिएट होती है, एक यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस होते हैं, यानी कि जो वाइब्रेशंस होती है इस तरीके की वेव्स की, ऑसिलेशंस होती है वो कितनी होती है पर यूनिट टाइम के अंदर। सो द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव, तो वो हमारी क्या बन जाएगी, साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। सो फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं न्यू से, क्या बोला जाता है इसको, न्यू बोला जाता है। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हमारे क्रिएट होते हैं तो उसको बोला जाता है न्यू। इसकी जो एसआई यूनिट है उसको बोला गया हर्ट्ज, क्या बोला गया, हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी इज द मेजर्ड इन हर्ट्ज, किसमें मेजर करते हैं उसको, हर्ट्ज में, एंड द सिंबल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज न्यू, क्या बोला जाएगा, न्यू बोला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है टाइम पीरियड। अब मैंने ये डायग्राम इसीलिए नहीं रख दिया क्योंकि ये सारी चीजें इसी के ऊपर बेस्ड है। देखो पर यूनिट टाइम हमारा यहां तक हुआ, इसने ये बोला अगर मान लिया कोई हमने वाइब्रेशन ले ली, मान लिया कोई टाइम हमारा इधर मेजर करता है कंप्लीट, तो उसने ये कहा कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इसको पर यूनिट टाइम में क्रॉस करेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा फ्रीक्वेंसी। अब बात आती है टाइम पीरियड की, एक तो ये बोला कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नेक्स्ट आती है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या हुआ कि कितने टाइम के अंदर एक ऑसिलेशन मूव करता है, द टाइम टेकन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस टू क्रॉस द फिक्स्ड पॉइंट, यानी कि किसी भी एक फिक्स्ड पॉइंट हो कितने टाइम में नंबर ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस क्रॉस करते हैं वो क्या बन जाएगा, टाइम पीरियड। ऑब्वियस है, सिंपल सी बात है कि टाइम पीरियड क्या होगा, जब किसी चीज को हम, कोई ये फिक्स पॉइंट हमारा है, जैसे हमें यहां से किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना है, फिक्स पॉइंट है, तो कितने टाइम में वो इंसान वहां तक पहुंचता है, कितनी स्पीड के साथ और कितने टाइम के साथ, तो वो हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा। सो टाइम पीरियड इज द क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन टू कॉन्सिक्यूटिव एंड टू रेयर फैक्शंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टेकन, किसने लिया, कंप्रेशंस ने या रेयर फ्रैक्शंस ने, कंप्लीट टाइम कितना लिया किसी फिक्स्ड पॉइंट तक पहुंचने के लिए, वो हमारा क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड। द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने के लिए, जैसे हम बोलते हैं हमें यहां से करनाल जाना है, तो एक बार जाने में कितना टाइम लगा और आने में कितना टाइम लगा उस चीज को हम मेजर करेंगे तो उसको टाइम पीरियड बोला जाएगा। तो इसी तरीके से क्या होगा, द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट, एक ऑसिलेशन का मतलब क्या है, वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ, एक ऑसिलेशन हमारा यहाँ कंप्लीट होता है, वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ, इस कंप्लीट एक ऑसिलेशन को बनने के लिए कितना टाइम लगा, इसने कितना टाइम कंज्यूम किया, वो हमारा क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड। और जो टाइम होता है उसको हम किसमें मेजर करते हैं, सेकेंड के अंदर, क्योंकि जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वही हमारी एसआई यूनिट होती है, जिसे लेंथ की क्या है, मीटर होती है, वैसे सेंटीमीटर भी है लेकिन हम मेजर किसमें करेंगे, मीटर के अंदर। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एम्पलीट्यूड, नेक्स्ट पॉइंट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्टेंस या फिर डिस्टर्बेंस इन द मीडियम टू आइदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड।
यानी कि जितनी मैक्सिमम, देखो जब हम एम्पलीफायर वगैरह लगाते हैं तो कितनी मैक्सिमम डिस्टरबेंस, यानी कि मैक्सिमम जो साउंड है, जो वॉल्यूम है, वो कितनी मैक्सिमम होगी, तो ये चीज जब हमारी होगी तो मैक्सिमम यानी कि ये कितना ऊंचा, देखो जब कोई भी चीज तुम साउंड जिसकी लो है तो वो इस तरीके से चलेगा, और जब वो लाउडर होगी कोई भी चीज तो उसके ये चीज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब ये चीज जब इंक्रीज हुई है तो इसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड, यानी कि मैक्सिमम हाइट जब किसी वेव की जाती है सिंपल लैंग्वेज के अंदर, तो ये हमारी क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड, एंड एम्पलीट्यूड इज डिनोटेड बाय ए। तो जो साउंड की जो स्वीटली होती है, एक तो जो प्लीजेंट साउंड होती है वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के ऊपर, एंड सेकेंड थिंग इज साउंड इज बेस्ड ऑन टेम्परेचर, जो साउंड होती है वो टेम्परेचर पे बेस्ड होती है, जहां हाई टेम्परेचर होगा वो साउंड भी वहां पे उतनी ही हाई हो जाएगी, और जहां लो टेम्परेचर होता है वहां साउंड हमारी भी लो हो जाती है। तो ये थी हमारी जो बेसिक सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं साउंड के बारे में, कि जो वेव्स होती है वो कैसे ट्रेवल करती हैं, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, वेव लेंथ क्या होती है, वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ, यानी कि जब एक ऑसिलेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है तो वहां हमारी जितनी उसकी लेंथ बनती है वो वेव लेंथ, एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम अपर लेवल पे जितनी डिस्टर्बेंस हो सकती है, बिकॉज साउंड इज लाइक डिस्टर्बेंस ही तो है, क्योंकि वहां जब मटेरियल्स वाइब्रेट होते हैं तो वो एक दूसरे को डिस्टर्ब करते जाते हैं, तो जो वाइब्रेशन है एक तरीके की क्या है, डिस्टर्बेंस होती है। अंडरस्टूड। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम स्टडी करेंगे कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है वो किस तरीके से लाउड रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है।